तो गाइस ये जो भीड़ लगी है ना, ये लगी है एक रैली हो रही है मुस्लिम कम्युनिटीज की। एक्चुअली इनका चल रहा है मुहर्रम का महीना। बस थैंक यू। खूबसूरत है ये। कैसे देखो, सारी चोटियां, सारी पहाड़ियां, एकदम लाजवाब लाजवाब। और तो गाइस इस पॉइंट के बाद खत्म होता है कारगिल और स्टार्ट होता है ले टेरिटरी। मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी डी स्टोर में। तो जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग देखा था कि हमने अपना सफर स्टार्ट किया था पादुम से लेके श्रीनगर तक, जो कि काफी हेक्टिक था। उम्मीद करता हूँ आपको काफी पसंद आएगा, क्योंकि उसमें हमने काफी बेहतरीन बेहतरीन आपको लोकेशन दिखाई, जैसे कि पेंसिला पास होगा और उसके बाद जो वहाँ के ट्रेल्स थे, ओहो कहने क्या था भाई, डेंजर्स के साथ काफ़ी ब्यूटीफुल थे। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं हम कारगिल से। तो हम कराते हुए कहते हैं एक छोटे से होम स्टे में, जिसकी लोकेशन काफ़ी प्यारी है। तो हम आपको दिखाता हूँ इसकी लोकेशन बाहर से कितनी बालकनी। सो गाइज, ये है मेरे होटल की बालकनी और यहाँ से जो व्यू नज़र आ रहा है आपको काफ़ी ब्यूटीफुल है। और ये जो रिवर बह रही है, ये है सोरू रिवर। तो इसी के कारण आगे की वैली को कहते हैं सोरू वैली। तो आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं हम कारगिल से। तो आज का सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि आज हमारा डिस्टेंस है कारगिल से लेके लेह तक, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 225 किलोमीटर दूर है। तो मिलते हैं आपको सीधा मोटो व्लॉग में। तो गाइस हमारी बाइक लग चुकी है, उसी के साथ जय भवानी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं फ्यूल अप, क्योंकि ऑटोमेटिक दिखा रहा है कि रेंज 69 किलोमीटर रह गई है। तो आज का प्लान हमारा कुछ ऐसा है कि आज हमारे नाइट स्टे होने वाली लेह में, जो कि है कारगिल से 222 किलोमीटर। तो इस रूट में बीच में क्या क्या चीज़ पड़ेगी फेमस, पहली पड़ेगी 90 हिल, जहां पर लोगों की गाड़ी अपने आप कांती है चढ़ती, यहां 90 हिल। उसके बाद पत्थर साहिब गुरुद्वारा और तीसरा इंग्लिश विलेज। लेकिन उससे पहले फ्यूल अप कर लेते हैं अपनी गाड़ी। ₹107.58 चल रहा है वो भाई, बड़े महंगा हो रहा है आप तो। अच्छा, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो 100 रुपीस, ठीक है। A few moments later. तो गाइस एक बार नज़ारा देखिए पूरे कारगिल शहर का। और ये भी आ रही है सोरू रिवर, और कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है कारगिल शहर का, बेहतरीन। तो चलिए अब चलते हैं आगे। बाय बाय। फाइनली गाइस, आज वो ड्रीम पूरा हो जाएगा कि जब हम पहुंच जाएंगे अपनी बेबी भी इसके साथ ले। वाओ, बिलीव ही नहीं हो रहा भाई कि आज सही में हम ले पहुंचने वाले हैं। वाओ, मजा आ गया भाई। और हाँ, ब्रेकफास्ट गाइस, इट्स टाइम टू हैव अ ब्रेकफास्ट। तो गाइस ब्रेकफास्ट लंच कम ब्रंच हमारा हो चुका है, अब चलने का टाइम आ गया है। ऐसा भैया ने बताया रास्ते में आपको कॉफ़ी पॉइंट मिलेंगे, जैसे कि आपको लमेनायू, अगर प्रोनाउंसेशन गलत होगा तो उसके लिए सॉरी। फिर मिलेगा आपको संगम, दो रिवर का नाम मालूम नहीं है, बाद में बता दूँगा आपको। और मैग्नेटिक हिल, फिर पत्थर साहिब गुरुद्वारा, फिर जाके पहुँच जाएंगे हम फाइनल ले में। तो चलिए हो, जो ऊपर देख रहे हो गाइस ऊपर, वो ही है एक मॉनेस्ट्री। अब इसका नाम मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि नाम तो मुझे एक्चुअली मालूम नहीं है। और इंडिया का फ्लैग क्या, और सन।
डिले है 152। तो गाइज ये जो भीड़ लगी है ना, ये लगी है एक रैली हो रही है मुस्लिम कम्युनिटीज़ की। एक्चुअली इनका चल रहा है मुहर्रम का महीना। बस थैंक यू। तो इनका चल रहा है मुहर्रम का महीना, तो इसलिए ये लोग जो भी जा रहे हैं लोग, पैसेंजर मतलब जो भी पीपल जा रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए पानी की व्यवस्था उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। अगर आपको पानी नहीं पीना है, नींबू का कोल्ड ड्रिंक टाइप की जो भी है वो सब प्रोवाइड करा रहे हैं। अब अच्छा काम है, मैं अभी चेक करता हूँ कि अगर आपको कैपेबल है तो आप जरूर कीजिए। ये नहीं कि ज़रूरी है कि आप अपने महीने में कीजिए, मतलब कोई जब भी आप कैपेबल हो आप कीजिए। तो चलिए हम अपना सफ़र जरूर करते हैं कंप्लीट। तो गाइस इस पॉइंट के बाद ख़त्म होता है कारगिल और स्टार्ट होता है ले टेरिटरी। तो हमने एंटर कर लिया है लद्दाख के अंदर और छोड़ आए हम जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। स्वागत है आप सभी का वर्चुअल ही। और इस टाइम हम है फोर्टिला टॉप, जो कि इसकी हाइट है 13,400। तो गाइस हम आ चुके हैं प्रसार भारती के चैनल में और मेरे साथ है लवण्या। क्या बोलना चाहिए लवण्या इस टॉप के बारे में? बहुत खूबसूरत है ये। कैसे? देखो सारी चोटियां सारी पहाड़ियां एकदम लाजवाब। और ये जो क्या है लोगों ने इसके बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? ये तो बहुत ही शर्मनाक है, लोगों को समझ में ही नहीं आता। जब तक पेनल्टी ना लगे ना तब तक इनको अकल ही नहीं आएगी। हर जगह जहाँ पे भी जाएंगे कूड़ा फेंक देंगे। तो देखिए गाइस वो नीचे आप दिखिए देंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ जूम। लोगों ने क्या इस ब्यूटीफुल प्लेस के सत्यानाश कर दिया है। तो आप सभी रिक्वेस्ट है, जब भी कहा आप इस प्रकाश के हिल स्टेशन में आए तो अपना जो भी गार्बेज है वो अपने साथ कैरी करें। बस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो चलिए गाइस आप चलने टाइम हो चुका है, मिलते कभी और फुटला टॉप में। लाइफ लॉ बहुत लंबी है, कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम दोबारा मुलाकात होगी इस टॉप पे। तो चलिए, और हमारे दोनों सारे के सारे राइडर जा चुके हैं एज यूजुअल हमसे पहले, लेकिन अपने पास है बेबी 20, तो हम तो कवर कर ही लेंगे। फोर्टिला टॉप आ गया, अब इसके बाद लेंगे मैंगटे हिल में। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए ये ब्यूटीफुल जर्नी मेरी। ओ गाइस लुक एट दिस व्यू। यहाँ से खालसी है 10 किलोमीटर और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो अगर आपको ये वाला व्यू दिखना है तो आपको खालसी से 10 किलोमीटर पहले आना पड़ेगा, तब जाके आपको ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिखने वाला है। दोनों तरफ माउंटेन है और बीच में रोड और किनारे में रिवर फ्लो हो रही है। भाई गजब है, ऑसम व्यू है, ऑसम। एक से एक व्यू मिल रहा है, जैसे जैसे हम लेके जा रहे हैं आप देखना कितने ह्यूज माउंटेन है, वो भी रॉक। तो ये वैसे जांचकर वाले माउंटेन नहीं जिसमें कि काफ़ी लूज पैकिंग वाले बजरी वाले माउंटेन है, ये सॉलिड भाई सॉलिड रॉक वाले माउंटेन है। आप देख ही रहोगे क्या व्यू है, खतरनाक भाई, मज़ा आ गया भाई। और इस टाइम हो चुके हैं शाम के 3:13 और हम चल के सुबह से 101 किलोमीटर, तो अप्रॉक्सीमेटली 122 किलोमीटर और बचा है ले यहाँ से, और खालसी है 9 किलोमीटर। तो देखिए एंजॉय कीजिए ये मेरा व्लॉग। वैसे बताऊँ कल के कंपेरिजन में जैसे पादुम से लेके कारगिल तक रोड की कंडीशन बहुत ही वर्स्ट थी, 80% रोड आपको बेकार ही मिलेगी और 10% जो रोड मिलेगी वो अच्छी कंडीशन में थी, और जो 10% थी वो सो सो थी, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें
कि वो अच्छी रोड होकर आएंगे, लेकिन वहाँ काम चलाओ थी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग पास। तो आज की कंडीशन कुछ अलग है। आज की 225 किलोमीटर का ले है वो अप्रॉक्सीमेटली। रोड की कंडीशन सुपर है, इवन मार्किंग भी आप देख रहे हैं रोड में वो प्रॉपर तरीके से की गई है। लग नहीं रहा कि मैं इंडिया में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि लैंडस्केप तो काफ़ी अमेजिंग है, ऊपर से रोड की कंडीशन वाह यार। बीआरओ ने जो काम किया ना काफ़ी अच्छा किया भाई, एप्रिसिएशन तो बनता है। और इसी के साथ देखिए सामने हमारा स्लो राइड हमें मिल गए। अब मैं चले हुए अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी लेट करता हूँ, क्योंकि सबसे लेट में मैं थैंक यू भाई हैव अ सेफ जर्नी। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं हमेशा लेट चलता हूँ क्योंकि मेरी फोटो शूट करता है, तो सबसे लास्ट में मेरी करते हैं, मैं सबकी फ़ोटो खींचता हूँ, सबसे लास्ट में मेरे लोग फोटो खींचते हैं। तो उसके बाद फिर मैं अपना कैमरा का सेटअप बैग में रखता हूँ, रेडिंग जैकेट पहनता हूँ, फिर जाके तैयार होता हूँ। लेकिन इसी चक्कर में मैं लेट जाता हूँ। जय माँ काली लवन्या भाई। तो चलिए आगे भी हमारे आर्मी का कॉन्वे जा रहा है, और इसी के साथ बाइकिंग मतलब जो। तो यहाँ से है सोमोरी 327 और ले है 106 भाई। यहाँ पे आ चुका है आंधी तूफान भाई, आप देखे तो सामने जो हवा का प्रेशर ज़्यादा फील हो रहा है अपने को भाई, वो तो अच्छा गाड़ी लोडेड है थोड़ा। आजकल मैं हैवी कपड़े पहने हुए हैं, नहीं तो मैं तो उड़ जाता भाई जो के पार्ट। लेकिन हवा काफ़ी तेज चल रही इस टाइम, तो थोड़ी गाड़ी को कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। मैं आप देखिए पंजाबी ढाबा, ओ जी पंजाब से हो जी। और ये देखिए एक ब्यूटीफुल ब्रिज मेड बाय बीआरओ। इन वादियों में हो गया हूँ तेरी खामोशी में जान ले। तो ये है गाइस खासी गांव, छोटा सा है लेकिन यहाँ पे आपको अपनी जरूरत की सब छोटी बड़ी चीज़ें मिल जाएगी इजली। और इसके बाहर का जो मैंने आपको 10 किलोमीटर पहले जो व्यू दिखाया भाई, क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप था भाई। दो तरफ माउंटेन और बीच में रिवर। पावर ग्रिड, ओ भाई खालसी का पावर ग्रिड है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप के बीच में सच्चे दरबार की जय। अब हो गया उसके पिछवाड़ा दर्द भाई, बैठे बैठे भाई की आगे कमर दर्द हो गया भाई की, तभी डांस कर रहा है। पावर ग्रेड खालसी, पावर खालसी खतरनाक ही भाई भाई भाई, अमेजिंग ऐसा व्यू ब्यूटीफुल भाई, क्या बोलेंगे। और वो हमारे व्लॉगर देखो व्लॉगिंग करते हुए ब्यूटीफुल